रोंगटे खड़ा कर देने वाले थ्रिलर मुकाबले में आरसीबी की टीम को मिली हार। लखनऊ ने इस जीत के बाद किया पॉइंट टेबल पर टॉप। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2023 का 15वां मुकाबला आरसीबी वर्सेस एलएसजी टीम के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला गया। टॉस हारने के बाद आरसीबी की टीम ने पहले बैटिंग करने मैदान पर उतरे। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस दोनों सलामी बल्लेबाज एलएसजी टीम की गेंदबाजों की खूब कुटाई किया। 11.3 ओवर में 96 रन के स्कोर पर विराट कोहली का पहला विकेट गिरा। विराट कोहली 44 गेंद पर 61 रन की पारी खेली। इस साझेदारी को अमित मिश्रा ने ब्रेक किया। इसके बाद मैक्सवेल 29 गेंद पर ताबड़तोड़ 59 रन की पारी खेली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस 46 गेंद पर 79 रन की नाबाद पारी खेली और 20 ओवर में आरसीबी की टीम 212 रन बनाए। दोस्तों 213 रन के जवाब में एलएसजी की टीम की शुरुआत खराब रही। पहले पावर प्ले तक 3 विकेट गिर चुका था। पानिल ने तीसरी ओवर में हुड्डा को 9 रन, कृणाल पांड्या को 0 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा। उसके बाद मार्कस स्टोनिस 30 गेंद पर 65 रन की धुआंधार पारी खेली। करण शर्मा की गेंद पर सहबाज को कैच थमा बैठे और पवेलियन चलते बने। फिर इसके बाद मैदान पर निकोलस पुरन का तूफान आया। सबसे तेज टाटा आईपीएल 2023 का 50 जड़ा 19 बार पर 62 रन की पारी खेली और बडोनी 30 रन की पारी की बदौलत यह थ्रिलर मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक विकेट शेष रहते जीत लिया। दोस्तों विराट कोहली, निकोलस पुरन, मार्कस स्टोनिस, फाफ डु प्लेसिस की बेहतरीन पारी के लिए दिल से 1,00,000 योग करें। साथ ही टाटा आईपीएल 2023 से जुड़े हर प्रकार की अपडेट न्यूज पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।